चंदा मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हरसोली में आर्मी के जवान इमरान की दुखद मौत पर संवेदना प्रकट करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मृतक इमरान के परिवार को हर संभव मदद करने का प्रयास आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने परिजनों की मांग पर गांव में मृतक इमरान की याद में गेट का निर्माण कराने का आश्वासन दिया और गाँव वालों को कहा कि मैं अपनी तरफ से गाँव में मृतक इमरान की याद में गेट का निर्माण करूंगा, आप जगह फाइनल करके बताएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इमरान के बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूल में हो, इसलिए मैं दोनों बच्चों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराकर उनकी उचित और अच्छी पढ़ाई में मदद कराऊंगा। आपका नाम है? चौरा। चौरा जी, आपने अपने बेटे को क्या कहेंगे? बेटे कितना गम है, किस तरह से परिवार दुखी है? मैंने अपने बेटे को देश के लिए शहीद, देश के लिए शहीद होया। अपने बेटे का मुझे बहुत गर्व है, उसकी जगह मेरा पोता भी जा, जब भी मुझे गम, मेरे बेटे के लिए शहीदी मिलनी चाहिए और गेट बन जाए मेरे बेटे कंटे का, मेरे बेटे के लिए शहादत मिल जाए। बस ये मांग है। कितने साल से होगी फौज में बेटे? 9 साल, 9 साल हो गए भाई फौज मगा सेना के लिए, छोटे छोटे पहाड़ पर वश करके दे दिया था, यही दुआ थी, यही दुआ सबसे, सब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश के जवान बनाओ। मंत्री जी, इमरान की आए दिन क्या क्या परिवार से मतलब क्या पीड़ा होगा? देखिए, फौजी की मृत्यु हुई है, अभी कारणों का तो पता नहीं लग पाया। मेरी आर्मी अफसर से बात हुई थी कल, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में इमरान की मृत्यु हुई है। लेकिन एक फौजी तो पूरे गांव का, पूरे देश का होता है। आज परिवार से मिला हूँ, परिवार की तरफ से थी कि उसकी याद में गेट बनवाया जाए या कुछ और सरकार की तरफ से हो, यही है कि एक बार मृत्यु का कारणों का पता लग जाए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो जाए, जो सरकार की तरफ से संभव होता है तो इमरान के परिवार को दिलवाई जाए। इस तरह के कई केस जिले में और अन्य जिलों में सामने आए। देखिए, कई बार अब ऐसा होने लगा जहाँ फौजी की मृत्यु होती है, जिले में कई जनपद हो चुके हैं, तो एक बात आती है वहाँ से कि शहीद का दर्जा दीजिए या वो, ये शहीद का दर्जा देना किसी मंत्री विधायक सांसद के हाथ में नहीं है। इसके लिए पहले से ही कुछ नियम हैं कि शत्रु देश के साथ लड़ते हुए मारा जाएगा या आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारा जाएगा, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कई बार कुछ भ्रम फैलाया जाता है, तो जनपद में इस तरह के 5 केस हो चुके हैं करीब, पिछले दिनों मोहनपुर मॉडर्न में हुआ, उसके बाद गढ़ी नवाबाद हुआ, अलावलपुर में हुआ, अभी लाख में हुआ, अभी उसमें। लेकिन ये नियम स्पष्ट है कि शहीद का दर्जा पहले से जो नियम है उनके तहत ही दिया जा सकता है। मंदी कल एक माहौल क्रिएट हो गया था यहाँ पर इस तरह का, एचएम को लेकर के हिंदू होता तो ये मिलता, मुस्लिम है तो नहीं मिला, ये मतलब इस तरह के लोगों की बात। देखिए जी, इन 5 केस का मैंने जिक्र किया, सब अलग अलग बिरादरी के थे। लाख वाले कश्यप थे, मोहनपुर मरने वाले जोगी थे, अलावलपुर और गढ़ीनो वाले जाट थे, और ये मुस्लिम परिवार से। पांचों की एक ही परिस्थिति है, पांचों को उतनी ही मदद मिलेगी। इसमें कहीं जाति धर्म, कम से कम मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जाति धर्म को अपने उसमें रहने दीजिए, कम से कम फौज के साथ मत जोड़िए। फौज तो देश की रक्षा के लिए, उसमें कहीं जाति और धर्म की कोई बात नहीं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन